शादी में डांस करते, जिम में एक्सरसाइज करते, खाना खाते लोगों को अचानक से हार्ट अटैक आता है और मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ ऐसी ही एक और दुखद खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आई है। यहाँ एक युवक की शादी से कुछ घंटे पहले ही बारात की जगह अर्थी निकली है। बारात के लिए तैयार हो रहे दूल्हे को अचानक हार्ट अटैक आ गया। परिजन आनन फानन में लेकर उससे अस्पताल पहुंचे, जहाँ डॉक्टर्स ने दूल्हे को मृत घोषित कर दिया। ऐसे में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई और अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल मामला जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अटवा गांव का है। यहां रहने वाले राजकमल की शादी थी। सोमवार 29 मई को शादी समारोह था और अटवा से कोयलीपुर के लिए बारात जानी थी। परिवार और रिश्तेदार के लोग बारात में जाने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बारात की तैयारियों के बीच दूल्हे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन फानन में दूल्हे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्तफाबाद पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने दूल्हे को मृत घोषित कर दिया। इससे परिवार में कोहराम मच गया। बारात ले जाने की तैयारी में लगे परिवार और रिश्तेदारों की खुशियां मातम में बदल गई। उधर वधु पक्ष के लोगों का भी रो रो कर अब बुरा हाल है। मौत की खबर सुनकर दूल्हे की मां बार बार बेहोश हो रही है। इस बारे में परिवार ने रोते हुए बताया कि बेटे की बारात जानी थी, सब मेहमान घर पर आ चुके थे, लोग बारात में जाने की तैयारियां कर रहे थे। बारात जाने से पहले सारी रस्में हो रही थी, इसके बाद बेटे को स्नान कराया गया। वहीं मंडप के नीचे बेटे को नए कपड़े पहनाए जा रहे थे और उसे सेहरा पहनाया जा रहा था। इसी दौरान ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। हम लोग आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। पिता बेटे को याद करके रोते हुए कहते हैं कि यही दिन देखना था, क्या मुझे आज मेरा बेटा जीवित होता तो घर में खुशियां ही खुशियां होती। मंगलवार को बहू को लेकर आना था, आप बेटे की अर्थी उठा रहे हैं, इससे बड़ा दुख एक बाप के लिए क्या ही हो सकता है। उसकी माँ की हालत बेहद खराब है और वो भी बार बार बेहोश हो रही है। इस घटना के बाद शादी वाले घर में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना पर वधु पक्ष के लोग भी राजकमल के घर पहुंच गए। वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बारात में शामिल होने के लिए पहुंचे लोग दूल्हे की अर्थी लेकर शमशान पहुंचे और गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार किया गया।